शीघ्र पतन रोकने के लिए पांच कुदरती उपाय, नेचुरल वेज, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में, पुणे, नागपुर, अकोला, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज बात करेंगे शीघ्र पतन मतलब अर्ली इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज, शीघ्र पतन इसको रोकने के लिए कुदरती कौन से उपाय है बिना दवाई के। देखिए, पहला है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इसमें होता क्या है कि आप सेक्स जो है वो चालू करते हैं, चालू करने के बाद में ऐसा आपको थोड़ा भी उसका एक इंटीमेशन आ गया या थोड़ा भी एक्साइटमेंट आ गया कि भाई इसके बाद में यदि घर्षण किया तो धीरे जल्दी निकल जाएगा, तो एकदम अर्ली पीरियड में उसको कैच करना पड़ता है वो क्षण, और वहीं अपनी मूवमेंट रोकना पड़ता है, वहां इंटरकोर्स स्टॉप करना पड़ता है, लिंग को बाहर निकालना पड़ता है, कुछ समय रोकना पड़ता है। तो ये स्टॉप एंड स्टार्ट, तो स्टार्ट किया है और स्टॉप किया, स्टार्ट किया स्टॉप किया, ऐसा कम से कम आप 10 बार करते हैं तो जो हैबिट है जल्दी गिरने की वो निकल जा सकती है। दूसरा जो है वो है कि स्क्वीज टेक्निक में होता क्या है कि इंटरकोर्स चालू है जिससे मैं ऐसा लगा कि नहीं अभी वीर्य का डिस्चार्ज हो जाएगा, वीर्य पतन हो जाएगा, निकल जाएगा जल्दी, तो वो पहले इसमें कैच करना पड़ता है उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में, जिसके बाद में घर्षण नहीं करने का है, निकालने का है बाहर लिंग, और लिंग को पार्टनर जो है फीमेल पार्टनर वो उसको स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करना मतलब दबाना, मतलब समझो ऐसा ये लिंग है तो ये अंगूठा जो है वो नीचे रहेगा, दो उंगलियां ऊपर रहेंगी और वो जोर से उसको दबाएंगे और इतना दबाएंगे कि थोड़ा हल्का सा दर्द हो जाएगा, इतना दबाएगी और वो वहां तक प्रेशर देते हैं, दबाते हैं कि लिंग जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। फिर ढीला पड़ने के बाद में छोड़ देने का है, फिर काम क्रीड़ा करने की, फिर फोर प्ले करने का है, फिर उसमें उत्तेजना आएंगी, फिर लिंग कठोर हो जाएगा, फिर इंसर्ट करना और सेक्स करने का है, उसके बाद में फिर ऐसा लगा कि नहीं अभी गिर जाएगा, थोड़ा भी अर्ली कैच करना पड़ता है उसको। इसमें टेक्निक में दोनों भी टेक्निक पहली बार कैच करना पड़ता है और उसको बाहर निकालने का है, और फिर अंगूठा नीचे, दो उंगलियां ऊपर, और आपकी पार्टनर जो है उसको दबाएंगे और उसको ढीला करेंगे। तो ऐसा कम से कम 10 बार करना है और बाद में फिर 11वीं बार उसको निकाल देने का है। तो ये दोनों भी टेक्निक में होता क्या है कि आपकी जो हैबिट है वो निकल सकती है जल्दी गिरने की। तो लोग पूछते हैं कि जल्दी गिरना मतलब क्या, कब ऐसा कह सकती कि वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। तो दोनों पार्टनर को यदि समाधान सुख नहीं मिलता है वो इंटरकोर्स में, दोनों पार्टनर को मिलना चाहिए, तो वो अर्ली इजैकुलेशन है। हो सकता है कि लिंग का अंदर योनि में प्रवेश होने के तुरंत बाद गिर जाता है और फिर लिंग की कठोरता नष्ट हो जाती है और फिर इंटरकोर्स आगे होता नहीं है, या थोड़ी देर बाद जब स्त्री जो है वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है, उसको भी उतनी एक्साइटमेंट आई नहीं है, उसके पहले ही वीर्यपतन हो गया और वीर्यपतन होने के बाद में आदमी अलग हो गया और उसकी इच्छा जो है वो अपूरी हो गई, तो उसको भी शीघ्र पतन होते हैं। मतलब शीघ्र पतन का डायग्नोसिस ये है कि दोनों पार्टनर का समाधान होना जरूरी है, संतुष्टि होना जरूरी है। फिर उसके लिए मिनट नहीं है कि 5 मिनट करना कि 10 मिनट करना कि 1 मिनट करना। हो सकता है कि 5 मिनट करने के बाद में भी समाधान नहीं हुआ तो वो शीघ्र पतनी है, या 1 मिनट करते हुए समाधान है तो फिर शीघ्र पतन नहीं है। तो ये दो तरीके मैंने बताया, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, और नंबर दो है स्क्वीज टेक्निक। नंबर तीन है केजल्स टेक्निक या केजल्स एक्सरसाइज। अभी केजल एक्सरसाइज जो है वो ऐसी है कि पेल्विस की जो मसल्स है, दोनों पैर के पेल्विस में ये जो पोर्शन है इसमें जो मसल्स है उसको स्ट्रांग बनाना, ताकि वो इजैकुलेशन करने के समय उसको रोक देंगे। अब वो कौन सी मसल है, वो एक्सरसाइज कैसी है, तो वो करना क्या है कि जब आप यूरिनेशन को जाते, पेशाब करने को जाते हैं, तो पेशाब करने के समय चालू पेशाब में पेशाब को बंद करना बिना हाथ लगाए। तो चालू पेशाब में पेशाब को जब बंद कर सकते हैं आप, तो उस समय आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी मसल का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे पेशाब रुक गई, रोक दिया। इसका मतलब अभी आपको आइडिया आ जाएगा कि वो मसल कौन सी है, और फिर उसको
आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना है, रोज वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब जैसा पेशाब रोकते हैं वैसा उसको कड़क करना, बाद में छोड़ देना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, बाद में रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ऐसा 3-4 बार दिन में ऐसा करना है, 30 सेकंड से 2 मिनट तक, 3 मिनट तक ऐसा करना है, ताकि वो मसल जरा ताकतवर हो जाएंगी, और बाद में वो जब डिस्चार्ज का समय आता है शीघ्र पतन का, उससे वो मसल उसको रोक सकेंगे। तो ये केजल्स एक्सरसाइज है या केजल्स टेक्निक है, ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका जो है वो हिप्नोथेरेपी का, क्या आप हिप्नोटाइज खुद को करते हैं, आनंद भी लेते हैं और हिप्नोटिज्म में रिलैक्स कर ले रहे, मतलब जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट निकल जाएगा, रिलैक्स रहेगा, और जो डर है कि मेरा गिर जाएगा या वीरपतन हो जाएगा, जो डर है वो डर यदि निकलता है तो उस समय इसमें इजैकुलेशन होगा नहीं। तो आपको एक सेल्फ हिप्नोसिस उसके लिए सीखना है, सेल्फ हिप्नोटिज्म, और सेल्फ हिप्नोटिज्म करके रिलैक्स दिमाग बॉडी रिलैक्स करना सीखना है, दिमाग और बॉडी, मैं पेनिस नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिंग नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग और बॉडी रिलैक्स करना सीखना है, और जिसमें फिर जल्दी इजैकुलेशन होगा नहीं। तो ये चौथी टेक्निक है। और पांचवी है जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि एक्चुअली जब इंटरकोर्स चालू है तो उस समय अपना मन विचलित करना, अपना मन विचलित करके और कहीं भटका देना, और कोई ऐसा टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला ऐसा कोई विचार मन में लाना जिससे कि अपने को कभी डर लगता है, चिंता लगती है, ऐसा कुछ तो भी विचार उस समय लाना, ताकि यहाँ का इरेक्शन निकल जाएगा, कठोरता निकल जाएगी पेनिस की, और फिर वो इजैकुलेशन नहीं होगा, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में फिर अपन काम करना चालू करते हैं, फिर आपका ख्याल आपके पार्टनर के ऊपर है, और फिर इरेक्शन आके आप संभोग कर सकते हैं। तो ऐसा 2-4 बार 5 बार 6 बार, मतलब ये पूरा 5-7 मिनट तक ये एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों को भी सुख मिल सकता है। तो ये है दोस्तों आपके तरीके कि जिसमें आपको कुदरती वे से, नेचुरल वे से जो शीघ्र पतन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। जिसको दवा चाहिए उसके लिए दवा भी है कि दवा लेने से शीघ्र पतन नहीं होता है, कंट्रोल आ जाता है, वो अलग वीडियो में मैं बताया हुआ। तो वो दवा भी है कि जिससे लोकल स्प्रे है, ऑइंटमेंट है, मेडिसिन है, इंजेक्शंस है, कि जिससे आपको शीघ्र पतन में कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो उसका जिक्र मैंने अलग वीडियो में किया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्तों को शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लोगों को है बीमारी, 4-4 साल 5-5 साल 10 साल शादी के बाद में भी लोग बोलते हैं कि हमको कभी सेक्स में सुख मिला ही नहीं, ना पत्नी को मिला ना पति को मिला, दोनों को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका शीघ्र पतन नहीं होता है, और किसको बोलते भी नहीं है। तो ज़रूर लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकल्प है, वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आपका भी इसमें हाथ लग जाएगा, आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।